बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड लेक्चर ऑफ यूनिट 7, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर। टुडे आवर टॉपिक इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो आपके पास हमेशा जो है वो आइडेंटिकल यानी कि सेम नहीं होते। दे कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। एटम ऑफ एन एलिमेंट आल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, बट दे डू नॉट नेसेसरली हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटोन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। दे बिहेव इन एन अनयूजल वे दैट हैज़ नथिंग टू डू विद देयर इलेक्ट्रॉन। मोस्ट एलिमेंट हैव मोर देन वन आइसोटॉप्स। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है उसके एक से ज़्यादा भी आइसोटॉप्स होते हैं और जो है वो आपके पास जो है वो सेम नहीं होते। कैसे? अब हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटोन तो सेम होते हैं। एटम जो है, कोई एक एलिमेंट की हम बात कर लेते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटोन तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है। नंबर ऑफ़ प्रोटोन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं, तो हम इसको कहते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? डिफाइन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आर एटम ऑफ एन एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम एटॉमिक नंबर। उनके जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। हुज न्यूक्लियाई हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होंगे। इसको हम बोलते हैं जी आइसोटॉप्स। ठीक है, अब हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन के हमारे पास जो है वो कितने आइसोटॉप्स हैं? 2 आइसोटॉप्स। द फर्स्ट वन इज क्लोरीन 35 एंड द सेकंड वन इज क्लोरीन 37। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा क्योंकि एक 35 और दूसरा 37 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कार्बन है, उसके हमारे पास 3 आइसोटॉप हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, अब देखें एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो यही हमारी डेफिनेशन कह रही है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमारे पास एटम्स के जो है एलिमेंट्स तो सेम है। ठीक है, एलिमेंट सेम है यानी कि ये क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं जी आइसोटॉप्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी कार्बन 14। द कार्बन 14 एटम इज द वन दैट बिहेव स्ट्रेंजली, इट न्यूक्लियस इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। इन टाइम एवरी कार्बन 14 एटम थ्रो अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड बिकम अ नाइट्रोजन एटम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीके। कार्बन 14 इज सेड टू बी द रेडियो एक्टिव व्हेन इट्स डीके इट गिव आउट रेडिएशन फ्रॉम इट्स द न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं कि कार्बन 14 एटम एक ऐसा है जो कि स्ट्रेंजली बिहेव करता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास जो है वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, और इस वजह से हमारे पास जो है वो जो कार्बन एटम है उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स, उसके न्यूक्लियस पे जब अल्फा पार्टिकल्स जो है वो थ्रो करते हैं तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन 14 से वो नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हमने डिके का नेम दिया। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि लाइक कार्बन मेनी एलिमेंट्स हैव रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एंड रेडियो आइसोटॉप्स। वो कह रहे हैं कार्बन की तरह बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, मैनी एलिमेंट जिनके रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं या रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं, और इसके अलावा अदर रेडियो आइसोटॉप्स कहाँ पे आर मेड इन लेबोरेटरीज और इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके अलावा जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं वो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं या न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। आगे हमारे पास इसकी कुछ यूजेज आ जाती हैं। यूजेज ऑफ रेडिएशन, इंजीनियर्स कैन चेक ऑयल पाइप्स फॉर लीक्स बाई एडिंग आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू द ऑयल। द सेकेंड वन इज डॉक्टर यूज अ बीम ऑफ गैमा रेज टू किल कैंसर सेल। द थर्ड वन इज प्लांट एब्सॉर्ब सम कार्बन 14 एटम फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हेन अ प्लांट्स और एनिमल्स डाइज इट टेक
in no more carbon atom. The carbon 14 atom in it slowly decay. By measuring the radiation from them, the age of dead animals can be worked out. This process is called carbon dating. तो ये कह रहे हैं, एक तो इंजीनियर्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को जो है वो यूज़ करते हैं ऑयल पाइप्स को चेक करने के लिए, दूसरा ये है कि डॉक्टर्स जो हैं कैंसर सेल को जो है वो किल करने के लिए गेमा रेज जो हैं वो यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है सम टाइम जो है ये जो कैंसर सेल जो है किसी पर्सन को कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो उसका कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि गेमा रेज यूज़ की जाती हैं कैंसर सेल को किल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास होता ये है कि हमारे पास इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स या ये जो रेडिएशंस जो हैं वो कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, जो आपके पास आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स जो पुराने ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो हम उनकी एज लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम जो हैं वो कार्बन 14 यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई स्केलेटन मिलते हैं जैसे प्लांट्स के एनिमल्स के, तो अब वो उनकी एज लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, उनकी हिस्ट्री फाइंड आउट करने के लिए कि वो हमारे कितने जो है कितने साल पुराने हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो कार्बन 14 जो है वो कार्बन 14 से जो है वो फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी वैलेंसी। साइंटिस्ट समटाइम कॉल द वैलेंसी द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है जी? कंबाइनिंग पावर ऑफ एन, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे टेंड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इफ दिस टेंडेंसी इज स्ट्रॉन्ग देन द एलिमेंट्स इज रिएक्टिव और अनस्टेबल इफ इट इज़ वीक द एलिमेंट इज अनरिएक्टिव और स्टेबल। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास डिपेंड किस पे कर रही होती है, ये हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए होते हैं उन पर ये डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, कि हमारे पास इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या गेन करेंगे, ठीक है। नॉर्मली मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। द एलिमेंट हैज़ इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे? आउटर मोस्ट शेल यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं होती, जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होती है ना उन पे डिपेंड करती है वैलेंसी। इफ एन एलिमेंट हैज़ फोर और फ्यूअर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज द वैलेंसी। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर होंगे किसी भी एलिमेंट के लास्ट वाले शेल में अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर होंगे तो हमारे पास जो है हमारे पास वैलेंसी भी उसकी जो है वो क्या होगी? सेम होगी जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। अब वो आपके पास माइनस फोर भी हो सकती है, वो प्लस फोर भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इफ़ द एलिमेंट हैज़ मोर देन फोर इलेक्ट्रॉन इट वैलेंसी इज एट माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ग्रेटर देन फोर होगी तो हम उसको एट में से जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। किस तरह से? फर्स्ट, हाइड्रोजन हैज़ अ वैलेंसी प्लस वन बिकॉज इट हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस वन है क्योंकि लास्ट वाले शेल में इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर वन है, अटोमिक नंबर वन है तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में आ रहे हैं वो तो वन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेल में आ रहे हैं वो भी वन होगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे पास आउटर मोस्ट शेल की उतनी वैलेंसी है कि, तो हाइड्रोजन के जो एक ही शेल है उसमें हमारे पास कितनी जो इलेक्ट्रॉन है? वन है। तो हमने कह दिया कि हाइड्रोजन की वैलेंसी जी प्लस वन। इसी तरह कैल्शियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कैल्शियम की वैलेंसी प्लस टू। इस तरह कार्बन है, अब कार्बन के लास्ट वाले शेल में जी फोर इलेक्ट्रॉन आते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिक्स, तो फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन और सेकंड में हमने बात की थी कि एट आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो कंप्लीट हो जाएगा, सिक्स हैं तो फर्स्ट में टू और सेकंड में फोर, तो हमने इसकी वैलेंसी कह दी कि हमारे पास इसकी वैलेंसी जो है वो प्लस फोर है या फिर माइनस फोर है। नाइट्रोजन हैज़ अ वैलेंसी माइनस थ्री बिकॉज इट हैज़ थ्री इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ एट। अब नाइट्रोजन जो है उसके लास्ट वाले शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन है और हमने कहा था कि जब हमारे पास मोर देन फोर होंगे तो हम जो है एट में से माइनस कर देंगे, तो हमने माइनस किया, यानी कि नाइट्रोजन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन ने अपने फाइव इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जो है, नाइट्रोजन ने तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिए? गेन किए,
ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए ना और रिजल्ट में एन आइन बनाया, एन आइन हमारे पास होते हैं जी नेगेटिव चार्जेस वाले, ठीक है। तो अब इसने तीन इलेक्ट्रॉन जब गेन किए हैं, तीन गेन किए तो हमने थ्री लगा दिया और गेन किए तो इस वजह से हमने एन आइन बनाया और एन आइन होते हैं जी नेगेटिवली चार्ज आइन आर कार्ड एन आइन, तो इस वजह से माइनस थ्री आ गया। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है जी एट, तो फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन और सेकेंड में सिक्स, टू इलेक्ट्रॉन जिसने गेन किए हैं, जब दो गेन किए हैं तो हमने टू लगा दिया और गेन किए हैं तो हमने माइनस का साइन लगाया, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन करते हैं और जो गेन करते हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज आइन आर कार्ड एन आइन। तो ऑक्सीजन जो है इसने गेन किया, इस वजह से हमने माइनस टू का चार्ज लगाया है क्योंकि इसने एन आइन बनाया। आगे हमारे पास आ जाइए क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास है जी माइनस वन, क्लोरीन एज वैलेंसी माइनस वन बिकॉज इट इज़ वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ एट, क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में सात इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो वो एक बजाय इसके कि वो सात किसी को दे तो एक आराम से ले सकते हैं ना, उसने एक ले लिया, जब उसने एक गेन कर लिया तो माइनस वन का चार्ज आ गया, ठीक है। आगे हमारे पास जो है इन सब की वैलेंसी शो हो गई है जी, हाइड्रोजन की प्लस वन है, सोडियम की प्लस वन है, क्लोरीन की माइनस वन, इस तरह कैल्शियम की प्लस टू, ऑक्सीजन की माइनस टू, मैग्नीशियम की प्लस टू, इसी तरह एल्यूमिनियम की प्लस थ्री, नाइट्रोजन की माइनस थ्री, बोरोन की माइनस थ्री, कार्बन की प्लस माइनस में आ रही है, सिलिकॉन भी। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो अपने जैसे हमने यहाँ पे दो वर्ड्स पढ़े लॉस और गेन का, अब जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है यानी कि जो जितने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है तो उसमें उतना चार्ज आता है और जो जितने जो है वो गेन करता है उस पर उतना चार्ज आता है, ठीक है। लेकिन जो गेन करते हैं उनके साथ माइनस का चार्ज आता है, जो लॉस करते हैं उनके साथ प्लस का, जैसे सोडियम है उसके लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, उसने वो लॉस किया तो उसके साथ उसने एक लॉस किया तो प्लस वन इसकी वैलेंसी आ गई। इस तरह ऑक्सीजन है तो उसके लास्ट वाले शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो दो गेन करेगा, गेन करे तो माइनस टू हमने जो है उसके साथ लगा दिया तो उसकी वैलेंसी माइनस टू आ गई, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है जी।